बड़ा दिल दिखाइए। वोटिंग से एक दिन पहले राजपूतों को मनाने के लिए बीजेपी ने चला ये बड़ा दांव। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने राजपूत समाज को मनाने के लिए आखिरी दांव चला। बीजेपी के तमाम क्षत्रिय नेताओं ने बयान जारी कर समाज से बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान से नाराज क्षत्रिय वोटरों को मनाने के लिए बीजेपी ने बड़ा और आखिरी दांव चला है। बीजेपी के तमाम क्षत्रिय नेताओं ने रविवार को लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राजपूत समाज से राष्ट्रहित में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ क्षत्रिय नेताओं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आई के जाडेजा, प्रदीप सिंह जाडेजा, मानधांता सिंह जाडेजा, केसरी देव सिंह झाला, बलवंत सिंह राजपूत, जयद्रथ सिंह परमार, महेंद्र सिंह सरवैया, किरीट सिंह राणा, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, सी के राहुल जी, अरुण सिंह राणा, वीरेंद्र सिंह जाडेजा और प्रद्युमन सिंह जाडेजा ने बयान जारी कर अपने समुदाय को बीजेपी को वोट देकर बड़ा दिल दिखाने की अपील की। क्षत्रिय नेताओं ने की अपील। इन नेताओं ने अपने बयान में कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने बयान पर दुख जताया है और क्षत्रिय समाज से कई बार अधिक बार माफी मांगी। जब रूपाला ने बार बार माफी मांगी तो क्षत्रिय समाज को क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना बहादुरों का गुण है और त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन करके राष्ट्र हित में उदारता दिखानी चाहिए। बीजेपी गुजरात के क्षत्रिय नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इन लिहाज से ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश और सनातन धर्म की रक्षा करें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का मान बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उनके साथ सहयोग करें और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वे भी रूपाला के बयान से दुखी और स्तब्ध रह गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी है। रूपाला के बयान पर विवाद जारी। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले दिनों वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों में राजपूतों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। रूपाला के इस बयान पर राजपूत समाज विरोध जता रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात में कई जगहों पर जनसभाएं कर बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की गई। हालांकि रूपाला विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग चुके हैं।